फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ बैंगन के भरते की न्यू रेसिपी चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना ये दो बैंगन ले लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के जो मोटे वाले बैंगन होते हैं अब इसको मैं तेल लगा लूँगी अच्छे से सब तरफ तेल इसलिए लगाते हैं ताकि इसका छिलका आसानी से निकल जाए अभी हमारे दोनों बैंगन पे तेल लग चुका है अब इनको हम सेक लेंगे भून लेंगे और ये हमने रख दिया है गैस पर भूनने के लिए बैंगन को दोनों बैंगन को अब उलट पुलट करके हम दोनों बैंगन को भून लेंगे ये मैंने उलट पुलट कर दिया है इनको और ये हमारे बैंगन भुन रहे हैं भुनने का कलर भी अच्छा आ रहा है देखिए बैंगन एक भुन चुका है हमारा अब दूसरा भी भुनने वाला है और यह भी हमारा बैंगन भुन चुका है चलिए इसके मसाले की तैयारी करते हैं ये मैंने प्याज़ टमाटर हरी मिर्च को लेकर भून लिया है तेल में डालकर और अब डालेंगे इसमें मसाले हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे और इसको हम मसाले को भून लेंगे हमें पानी नहीं डालना है इसे ऐसे ही भूनना है क्योंकि हमारे बैंगन में भी पानी होता है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें भूनना है ताकि ये जले नहीं हमने पानी डाला नहीं है इसमें और इसको ढक के भुनने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे अब अपने बैंगन को हम छील लेते हैं इतने इनका छिलका भी आसानी से निकल रहा है लेकिन गरम बहुत हो रहे हैं ये अभी हमारे बैंगन छिल चुके हैं अब इनको हम कट कर लेंगे बैंगन को आप कैसे पीसीस कर दीजिएगा इनके ये वैसे ही गल चुके हैं बहुत ज़्यादा भुनने में ही अपने हिसाब से कैसे भी काट के आप इसको डाल दीजिएगा जब ये और पकेंगे तो अपना आप उसमें मिक्स हो जाएंगे चलिए अपना मसाला देख लेते हैं अब इतने ये हमारा मसाला भी भुन चुका है तेल अलग हो चुका है हमारा मसाला अलग हो चुका है तेल से अब इसमें हम डाल देंगे अपने बैंगन को और डालेंगे अब इसमें स्वाद अनुसार नमक अब इन तीनों को भी डाल कर तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे मसाला बैंगन और नमक ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको हम ढक के लो टू मीडियम पे पकाएंगे हमारे पक चुके हैं देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर भी आया हमारे भुट्टे का और अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए आपको जितना धनिया पसंद हो आप उसके हिसाब से डाल लीजिएगा और हम कर लेंगे इसको सर्व प्लेट प्लेट में निकाल लेंगे और मैंने इसमें डाला है बटर आपकी मर्जी हो तो डालें वरना स्किप कर दें और धनिया डालेंगे हम ऊपर से ये बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स आप भी ज़रूर से ट्राई करें कैसी लगी हमारी रेसिपी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाह हाफिज़